आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। ग्वालियर से बड़ी खबर, लोकायुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई। आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक ग्रेड 3 को किया गिरफ्तार। 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा रंगे हाथ, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। किसान से खेत में बिजली कनेक्शन और ट्रांसफार्मर रखवाने पर मांगी थी रिश्वत। ये आपसे कितने रुपए मांग रहे थे, कौन है ये जो मांग रहे थे? किस काम के लिए मांग रहे थे? बोर के लिए, ट्रांसफार्मर रखवाने के लिए। कितने रुपए कुल मांगे थे इन्होंने? और आज यहाँ कितने रुपए देने वाले थे और ये कैसे पकड़े गए थे? 10,000 रुपए मैंने आवेदन किया था 18 तारीख को। अच्छा, तो आज लोकायुक्त ने पकड़ा उन्हें? हाँ, लोकायुक्त। कब से था आपका आवेदन पेंडिंग है? नहीं, आवेदन तो मैंने 7 तारीख को दिया था, 7 तारीख को। तो वो बोल रहे कि आवेदन रद्द की टोकरी में डरा रहेगा या पैसा चाहिए फिर, जब भी मान्य हुआ नहीं आवेदन चला ही रहेगा, कोई मतलब अगर नहीं बगैर पैसे के हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, कितनी जमीन है आपकी यहाँ? 2.5 बीघा। कितने खम्भे लगने हैं आपके यहाँ पर? खम्भे तो 2 खम्भे लगने हैं। 2 खम्भे जी, उसके 15,000। कर्मचारी पकड़ा, क्या मामला है पूरा? इसमें आवेदक है सुरेश निवासी कैमपुरा तहसील सवलगढ़, उसके आवेदन पत्र पर कार्रवाई की गई है। वो जगदीश चंद्र वर्मा जो यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 है, जो बस्ती विकास एवं पंप उद्धीकरण का कार्य देखते हैं यहाँ पर, उन्होंने उस संभावित लिस्ट है तिग्राहियों की लिस्ट में शामिल करने के एवज में 15,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड करी थी, और आज 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए यहाँ पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की। 1,000 रुपये की रिश्वत की मांग करी थी, लेकिन 10,000 में आज बात हुई थी और आज ये कार्रवाई। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी।